आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया पर। ओके, आज का जो पूरा पूरा डिस्कशन होगा वो बैक्टीरिया पर होगा, और बैक्टीरिया के मेनली हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आज आपको अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए देखते हैं बैक्टीरिया की हिस्ट्री बताने के लिए हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस ग्रीक भाषा से लिया गया, किस लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है बैक्टीरियन, ग्रीक भाषा के बैक्टीरियन नामक शब्द से लिया गया, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्मॉल सॉफ्ट स्टिक। क्या होता है, स्मॉल सॉफ्ट और स्टिक, ये इसका मतलब होता है। और देखिए जिस शाखा के अंतर्गत बैक्टीरिया की स्टडी किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए आइए अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं बड़े सिंपल भाषा में। बैक्टीरिया आर टू स्मॉल, बैक्टीरिया क्या होते हैं, टू स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म, यानी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक। प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक मीन्स हो जाएगा प्रिमिटिव, और टाइप का न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा यूनिसेलुलर, एक सेल के होते हैं, यानी एक कोशिकी होते हैं, इसलिए यूनिसेलुलर कहेंगे इसको। हेटरोट्रॉपिक होते हैं, क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक का मतलब होगा कि जो अपने भोजन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे, उनको हेटरोट्रॉप या हेटरोट्रॉपिक बोला जाता है। ओके, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अर्थ सरफेस पे सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से, बैक्टीरिया थे। ओके, ये बातें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे देखिएगा हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की हिस्ट्री, ठीक है, इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले ए वी लीवेनहॉक, किसने, ए वी लीवेनहॉक इन 1675, ए वी लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, एंड लीवेनहॉक का काफी फेमस नाम है, आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। 1675 ईस्वी में ए वी लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, ठीक है, इन सीवेज वाटर, ठीक है, या रेन वाटर में, एंड नेम द लिटिल एनिमालक्यूल्स, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, छोटे, एक छोटे जीव की तरह दिखाई दे रहे थे, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, एनिमालक्यूल्स, ठीक है। खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे इन्होंने देखा था और उसका नाम एनिमालक्यूल्स रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ओके, ध्यान दीजिएगा। दूसरे साइंटिस्ट है लिनियस, इन 1758 1758 ईस्वी में अगले साइंटिस्ट आ गए लिनियस, कैरोलस लिनियस, ये भी काफी फेमस हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को, अभी बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया नहीं पड़ा है, उसका नाम क्या पड़ा, एनिमलक्यूल्स, इसको जीनस वॉर्म्स में रख दिया, किसमें रख दिया, जीनस वॉर्म्स में रख दिया, किसने, लिनियस ने, कब इन्होंने बताया, 1758 में। कई कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप अच्छे से इसको नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में किसी भी प्रकार को लिनियस लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट का नाम जरूर आता है। ओके, तो ध्यान दीजिए। अगले है एरेनबर्ग, अगले साइंटिस्ट है तीसरे नंबर एरेनबर्ग, इन 1828 ईस्वी में अगले साइंटिस्ट एरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने टर्म बैक्टीरिया दिया, अब बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया पढ़ चुका है, ठीक है, किसने दिया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया किसने दिया, पहले तो एनिमलक्यूल्स था, उसको जीनस वॉर्म्स में रख दिया गया, लेकिन उसका नाम बैक्टीरिया किसने दिया, तो एरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1828 ईस्वी में टर्म बैक्टीरिया यूज किया। ओके, अब बैक्टीरिया मिल चुका है, उसका नाम हो चुका। आगे देखिए साइंटिस्ट नगेली, नगेली नामक साइंटिस्ट ने 1857 ईस्वी, यानी 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में प्लेस इन ए ग्रुप, इनको एक ग्रुप में रख दिया, इनको एक अलग ही ग्रुप में रख दिया, किसने, नगेली नामक साइंटिस्ट ने, ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, साइजोमाइसिटीज, क्या हो जाएगा, साइजोमाइसिटीज, ध्यान से सुनिएगा, खासकर बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो छात्र हैं वो लोग इसका नोट्स बहुत ही
अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इसमें से दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किया जाते हैं, हर वर्ष रिपीट किया जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और समझिएगा। अगले साइंटिस्ट है पाश्चर, लुईस पाश्चर, काफी फेमस साइंटिस्ट है अभी। लुईस पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने 1876 में ओके क्या किया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस दे दिया, यानी किण्वन की। और ये बताया कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ज्यादा से ज्यादा वो बैक्टीरिया के माध्यम से होती है, इन्होंने बताया। किसने, लुईस पाश्चर ने। ओके नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने पूरा तख्ता ही पढ़ दिया बैक्टीरिया के बारे में। इन्होंने ये बताया क्या क्या देखिए, प्रूव दैट बैक्टीरिया कॉज ए डिजीज। क्या प्रूव किया इन्होंने कि बैक्टीरिया कॉजेस करता है, क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, यानी डिजीज फैलाता है इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कुछ ह्यूमंस में और एनिमल्स में। ओके लाइक कॉलरा, जैसे कॉलरा हो जाएगा कॉलरा, ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड नामक डिजीज भी बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। किसने बताया, रॉबर्ट कोच ने। ओके नेक्स्ट है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी काफी फेमस है, जिसको हो जाता है, इसकी मेडिसिन बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये डिजीज जल्दी ठीक नहीं होती है, इससे ज्यादातर व्यक्ति ग्रसित जो होते हैं वो डेड ही हो जाते हैं। ओके तो ये कुछ डिजीजेस के नाम है जिसको जिसके बारे में किसने बताया, रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उससे कई डिजीज होती है जो ह्यूमन अदर एनिमल्स में भी होती है। नेक्स्ट है उसी पॉइंट में ही गेव द जर्म थ्योरी। अब इसी डिजीज के बारे में बताने के लिए इन्होंने क्या किया, एक जर्म थ्योरी दिया, क्या दिया, जर्म थ्योरी नाउ, जिसे अब इस समय हम क्या बोलते हैं, कोच पास्टुलेट, जिसे क्या बोला जाता है, कोच पास्टुलेट के बारे में जाना जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसको, कोच ला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए इस ओवरऑल डिजीज के बारे में बताने के लिए, इस थ्योरी के लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज 1905 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, किसको, रॉबर्ट कोच को। तो ये था हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर होगा। तो वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।